थोड़े से मिसलिनियस प्रॉब्लम देखते हैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स में. ये एक कॉनकेव मिरर है जिसके सामने ये एक ऑब्जेक्ट रखा है. इट मे बी एन इंसेक्ट और एनीथिंग विच इज़ कैपेबल ऑफ मूविंग. ये यहाँ से मूव कर रहा है. जब ये ऐसे मूव करते हुए इधर जाएगा, सी तक पहुँचेगा, तो इसकी इमेज यहाँ पर आकर सी पर बनेगी, क्योंकि हमको पता है कि सी पर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी सी पर बनती. तो जैसे ये सी की तरफ मूव करेगा, इसकी इमेज भी सी की तरफ मूव करेगी और दोनों की कुछ स्पीड होगी. हम लोग लॉजिकली ये भी समझ सकते हैं कि दोनों ने सी पर एट ए टाइम पहुंचना है, एट द सेम टाइम. दिस डिस्टेंस इज लार्जर, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल, सो ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर एंड इमेज इज मूविंग स्लो. और जब ये इसको पार कर लेगा तो ये स्लो हो जाएगा और ये फास्ट हो जाएगा. दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन देयर लोकेशन. तो अगर लोकेशन अलग अलग होती है तो वेलोसिटी भी अलग अलग होती है. इसके हम बहुत तरह के रिलेशन बना सकते हैं और उसमें से डिपेंडिंग ऑन गिवन क्वांटिटीज हम उसको डिराइव करके यूटिलाइज कर सकते हैं. किस तरह से? द स्टैंडर्ड इक्वेशन व्हाट वी नो इज 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. ये इसका मिरर फॉर्मूला है. अब इसमें देखिए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है? U, ये इसकी पोजीशन है. इसका छोटा सा चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. वैसे ही वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये क्या होगी? d by dt ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज v, dv by dt. ओके, इनके हमको रिलेशन चाहिए और हमको दिख रहा है कि ये डिफरेंशिएट करने से आएंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब यहाँ पर ये टाइम के फंक्शन तो नहीं है, डिफरेंशिएट फिर भी हम कर सकते हैं. जैसे एक तो ये है कि इसमें से किसी एक को बाकी दोनों के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं. जैसे अगर हमें पोजीशन ऑफ इमेज चाहिए, दिस इज पोजीशन ऑफ इमेज v, तो ये अगर चाहिए तो v का फॉर्मूला यहाँ क्या होगा? वी विल राइट इट दिस वे, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, और इसको हमने सॉल्व किया f u, और इधर आ जाएगा u माइनस f. सो v इज इक्वल टू f इंटू यू अपॉन u माइनस f. ये इसी तरह से अगर v और f गिवन क्वांटिटी है तो हम u की वैल्यू निकाल सकते हैं. अगर v और u गिवन क्वांटिटी है तो f की वैल्यू निकाल सकते हैं. f विल बी इक्वल टू यू वी अपॉन u प्लस v. इस तरह से कोई भी गिवन क्वांटिटी को हम दूसरे दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज़ वन थिंग. अब वेलोसिटी की बात आती है. अगर हमको वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए और u और f गिवन है, देर इज ए मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड इंसेक्ट इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स इट विच इज एट ए इंस्टेंट इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड इट इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी. देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इट्स इमेज? क्या क्या गिवन है? फोकल लेंथ, पोजिशन ऑफ द इंसेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट, ये चीज़ें हमको गिवन है. तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ.
given F u and velocity of the object du by dt. ये तीन चीजें given हैं. और हमें निकालना क्या है? Find out velocity of the image dv by dt. ये हमें निकालना है. Okay, तो इसका relation किस तरह से बना सकते हैं? We have to find out dv by dt. तो हम पहले v का notation निकालते हैं. ये v का notation है और इसको differentiate कर सकते हैं. Okay, ये एक तरीका है. और दूसरा तरीका है कि हम ये जो है यहाँ पर इसको differentiate कर सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं. Start differentiating it. इसका differentiation किस तरह से होगा? This I will write it here. dv by dt is equal to, first write new denominator as it is, this is to be multiplied by d by dt of f into u minus numerator as it is f u multiplied by differentiation of denominator, this divided by square of the denominator. ये हमारा differentiation का formula है. तो इसको apply कर दिया this way. Now this is equal to d by dt of fu. F is constant for a mirror क्योंकि u और v change हो रहे हैं, f change नहीं होता है. That is a constant, it comes out. और ये क्या बचेगा? du by dt. तो ये हुआ u minus f और f एक बाहर आ गया और ये हुआ du by dt minus F into U and इस दोनों को differentiate किया. F is a constant, उसका differentiation zero हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ आएगा du by dt. This is to be divided by U minus F whole square. अब आप देखिए du by dt ये दोनों टर्म में, सिर्फ दो ही टर्म है इसमें और इन दोनों टर्म में du by dt कॉमन है. तो इसको हमने कॉमन निकाल लिया. सो दिस इज du by dt. व्हाट इज दैट? du by dt विच इज ए गिवन क्वांटिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, अभी du by dt दोनों से हमने कॉमन निकाला और अंदर फर्स्ट टर्म में से क्या बचा? एफ यू माइनस एफ स्क्वेयर. एफ यू माइनस एफ स्क्वेयर. ओके, ये यहां आ गया माइनस डी यू बाई डी टी कॉमन निकल गया. एफ यू माइनस एफ यू टू बी डिवाइडेड बाय u minus f square. This is equal to fu minus fu. Cancel out. So what we get here is du by dt को यहां रखिए. And here we get a fraction minus f square divided by u minus f whole square. Yes. So, अब देखिए हमको given quantity क्या है? F. F is given. U given. F given. du by dt. This is also given. That is velocity of the object. Focal length and position of the object. ये तीनों चीजें हमको given है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? Velocity of the image.
इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा बना वेलोसिटी ऑफ द इमेज के लिए, ये हमको एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ द इमेज निकाल के देगा। एक और मेथड जो एनसीईआरटी में दिया गया है, उस मेथड में ये है कि अगर हमें, उसमें भी हम रिलेशन यूज करते हैं वन अपॉन एफ इज इक्वल टू, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डी वी बाई डी टी, दिस इज रिक्वायर्ड, दैट इज स्पीड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द इमेज। गिवन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर वन, नंबर टू यू एंड नंबर थ्री एफ। तो हम क्या करते हैं, एक सेकेंड तक ऑब्जेक्ट को चलाते हैं, कितनी दूर जाएगा, जितनी उसकी वेलोसिटी है। अब हमने निकाली इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, u, ओके, आफ्टर वन सेकेंड, इसमें हमने क्या कर दिया, u प्लस वेलोसिटी, ये इसकी u डैश निकल गई आफ्टर वन सेकेंड। अब हमने क्या किया, दो कैलकुलेशन की, कैलकुलेट फर्स्ट v फॉर u, क्या फॉर्मूला यूज किया है, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, ये वन अपॉन v इज इक्वल टू, इसको यूज किया, सो v इज इक्वल टू एफ यू, और ऊपर क्या है, u माइनस एफ, दोनों को पलट दिया, इट विल बिकम लाइक दिस, ओके। तो इस तरह से हमने v निकाला u के लिए, और फिर आफ्टर वन सेकेंड, आफ्टर वन सेकेंड हमने v डैश निकाला, किसको यूज करके, फॉर u डैश, इसको u डैश को यूज करके v डैश निकाला। तो जो इमेज है उसकी इनिशियल पोजीशन और एक सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन, इसको जब हम माइनस करेंगे, v डैश माइनस v गिव्स वेलोसिटी ऑफ इमेज। देखिए, इमेज की दो बार पोजीशन निकाली, एक बार हमको पोजीशन मिली यहां पर v की वैल्यू, और दूसरी बार उसकी पोजीशन हमको मिली एक सेकेंड के बाद यहां पर। तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन सेकेंड, दैट इज वेलोसिटी। इस तरह से हमने वेलोसिटी निकाली। ये तरीका आसान है, लेकिन ये करेक्ट एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है, वैसे वैसे इमेज की वेलोसिटी चेंज होती जाती है, और जबकि हमने इस प्रॉब्लम को, ये जो सॉल्यूशन निकाला, हम क्या मानते हैं कि एक सेकेंड तक वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है, उसकी वेलोसिटी लगातार पोजीशन के अनुसार चेंज होते रहती है। इसलिए करेक्ट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का है, पर अगर आप इस तरह से भी निकालते हैं एक सेकेंड में, यू विल रीच वेरी क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू, एंड दिस इज राइट मेथड, दिस मेथड इज ऑल्सो गिवन इन द बुक, ओके। तो इस तरह से हम इसे बना सकते हैं, और ये डिफरेंशिएशन से भी बना सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन का एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सपोज ये गिवन क्वांटिटीज नहीं है, हमको गिवन क्वांटिटी सिर्फ दी गई है v और u, दैट्स ऑल, हमको मालूम है कि u से v बीच में f का रिलेशन है, तभी u और v आपस में रिलेट होते हैं। तो कितने u पे कितना v बनेगा, दिस डिपेंड्स अपॉन व्हाट, दिस डिपेंड्स अपॉन f, एनीवे
गिवन टू अस. अब देखिए तीसरी चीज गिवन. ये हमारा मेथड नंबर टू था, अब हम मेथड नंबर थ्री ले रहे हैं. गिवन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज एंड दैट्स ऑल. नो डी यू बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये तीन चीजें हमको दी गई हैं. पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. और हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज डी वी बाई डी टी. अब इसका एक छोटा सा तरीका देखिए. हमें रिलेशन ये मालूम है, इसी रिलेशन को हम दूसरे तरह से लिखते. एफ टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू वी टू द पावर माइनस वन प्लस u टू द पावर माइनस वन. और तीनों को डिफ्रेंशिएट कर दो. नाउ दिस इज कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होगा. सो दिस इज जीरो और ये कितना हो जाएगा v टू द पावर माइनस टू और ये इसके सामने माइनस वन. ओके माइनस वन इसके भी सामने आ जाएगा और यू की पावर माइनस टू एंड दिस इज डी वी बाई डी टी. और बिकॉज वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड नॉट विद रिस्पेक्ट टू वी. वी के रिस्पेक्ट में करते तो वी टू द पावर माइनस टू ही रहता और चूंकि हमने डी टी करना है, टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये इस तरह से बना वी टू द पावर माइनस टू एंड डी वी बाई डी टी प्लस माइनस वन सामने आ गया माइनस वन एंड दिस इज यू टू द पावर माइनस टू डी यू बाई डी टी. ओके अब इसमें से हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है डी वी बाई डी टी. तो डी वी बाई डी टी की टर्म इधर ले आइए. दिस इज प्लस dv by dt into v to the power minus 2 is equal to minus du by dt and u to the power minus 2. ओके ये मल्टीप्लाई है, इधर ले जाइए डिवाइड हो जाएगा. तो dv by dt is equal to minus u square upon v square into डी यू बाई डी टी. सो सिंपल. वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, दैट्स ऑल. और इसमें हमको एफ की जरूरत नहीं है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एफ का वेलोसिटी पे इफेक्ट नहीं होता. इफेक्ट होता है. क्यों? क्योंकि ये आप देख रहे हैं इस वी में एफ छुपा हुआ है. कैसे छुपा हुआ है ये आप देखिए. v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू यहां पर देखो 1 अपॉन v को इधर ले आओ और इधर 1 अपॉन f माइनस होके आएगा. सो 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन u माइनस 1 अपॉन f. ये हमने बनाया हुआ है. ये देखिए v इज इक्वल टू एफ यू अपॉन यू माइनस एफ. तो v में ऑलरेडी f छिपा हुआ रहता है. लेकिन ये हम एक ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिसमें हमको f नहीं दिया गया, u और v दिया गया. पिछला क्वेश्चन कैसा था, उसमें हमको u और f दिया है तो v नहीं दिया गया था. तो हमने डेरिवेशन ऐसा किया जिसमें u और f आया. यहां पर f नहीं दिया गया है. अगर u और v गिवन है तो हम इस डेरिवेशन से काम करेंगे. इसमें u v और du by dt है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. इस तरह से अगर v गिवन है तो ये करेंगे. और इसमें आप देखिए जो हमने पहले किए थे उसमें v गिवन नहीं है तो हमने f से काम किया. u f
और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी हुई है। इस तरह से डिफरेंशिएट करके यदि आप वैल्यू निकालते हैं दैट विल गिव यू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। अब इसमें एक ये वेलोसिटी के बारे में हो गया, कभी कभी रिलेटिव वेलोसिटी पूछी जाती कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, दैट इंसेक्ट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 25, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी और व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इट्स इमेज कमिंग टुवर्ड्स इट, इमेज कमिंग टुवर्ड्स इट, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। अगर इसकी वेलोसिटी ए है और इसकी वेलोसिटी बी है तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कमिंग क्लोजर, ए प्लस बी। तो ठीक है, जब दोनों की वेलोसिटी आ जाएगी तो ए प्लस बी कर देंगे, दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। इसी क्वेश्चन को वो उल्टा कर देते हैं कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूसरी तरफ है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है और वो इधर जा रहा है टुवर्ड्स मिरर, तो इमेज यहाँ बनेगी और वो इधर जा रही है, सो दे आर मूविंग अवे एंड दे कैन आस्क अस व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दैट इज अगेन रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, दैट विल गिव द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू। तो एक की वेलोसिटी पूछी जा सकती है, दोनों की वेलोसिटी पूछी जा सकती है, रिलेटिव वेलोसिटी पूछी, इट कैन बी फ्रेम्ड एनीवेयर। सो वंस यू नो इट यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कुछ इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन का एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है, दैट्स ए ब्यूटिफुल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दैट साइज ऑफ द इमेज एट डिफरेंट लोकेशन इज डिफरेंट। एक कॉन्केव मिरर के सामने प्रिंसिपल एक्सिस पर हमने मोबाइल रखा, अगर मोबाइल रखा तो उसका इमेज कैसा दिखेगा, मैं यहीं पर ही उसको बना देता हूं। देखिए यहां पर हमने मोबाइल को रखा है एंड इसको मैं रब करके यहां बना देता हूं। देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और सी यहां पर हमने अपना मोबाइल रखा ये, और मेरे पास पुराने टाइप का मोबाइल है, ये उसकी विंडो है नंबर वाली और ये उसका एंटीना है, ये पुराना नोकिया या मोटरोला, ये मोबाइल यहाँ पर रखा है। तो इसकी इमेज कैसे बनेगी ये हमें बताना है। इसका जो एक साइड है वो हमने सी पर रखा है और ये कहाँ है, नेचुरली दिस इज फ्रॉम सी टूवर्ड्स एफ। अब इसकी इमेज बनाने के लिए हम शुरू करते हैं, एक चीज हमें पता है सी के नीचे, सी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज सी पर ही बनती है और इक्वल बनती है, तो इसकी इमेज हमने यहीं पर बना दी ये, और सेम साइज जितना ये है उतना ही है। ये लाइन की इमेज आ गई, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस पर है तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस पर बनेगी, लेकिन अब देखिए ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या ये बराबर होंगे, आंसर है नो। हमारा नॉलेज क्या कहता है कि जब ये डिस्टेंस इंफिनिटी था तो ये डिस्टेंस सिर्फ फोकल लेंथ के बराबर था, इधर के डिस्टेंस बड़े बड़े होते हैं, इधर के डिस्टेंस छोटे छोटे होते। तो अगर हम यहां से u और v निकालेंगे तो इतने से u के लिए ये वाला v इससे ज्यादा लंबा आएगा, ये इतना बड़ा, ये और बड़ा हो जाएगा। यू रिमेंबर यहां से ये कितना दूर है, से 20 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर किसकी इमेज बनती है जो इंफिनिटी पर है, इतनी दूर की इमेज यहां बनती है और वो जब इमेज यहां आती, ऑब्जेक्ट यहां आ जाता है तो इसकी इमेज यहां चली जाती, इतना छोटा सा, तो ये हमेशा छोटा होगा और ये हमेशा बड़ा होगा, इसलिए इस लाइन के बदले में ये लाइन इसकी इमेज बनी, ये हो गया। अब यहां पर इसका मैग्निफिकेशन इक्वल होता है, ये u छोटा है और v बड़ा है और मैग्निफिकेशन
माइनस वी अपॉन यू होता है. माइनस वी अपॉन यू इससे उल्टी डायरेक्शन में बनेगा माइनस, और चूंकि v बड़ा है u छोटा है तो मैग्निफिकेशन मोर देन वन होगा और इसकी लेंथ मोर देन दिस लेंथ होगी, तो ये ऐसा बनेगा. दिस इज लार्जर देन दिस. ये दोनों बराबर क्यों हैं? क्योंकि ये c पर है. अब c के इधर छोटा होते जाता है, c के इधर बड़ा होते जाता है, तो यहाँ पर ये मैग्नीफाई होके ऐसा हो गया. तो ये इसका टॉप पॉइंट ये मिला और इसका इमेज यहाँ पर आया. तो ये लाइन कहाँ है? ये लाइन यहाँ. ओके, एंटीना कहाँ है? इसके बाद ये एंटीना है, तो यहाँ पर एंटीना है. अब एंटीना भी ऐसे नज़दीक जाते जा रहा है इधर, तो इधर दूर जाते जाएगा. और ये अगर छोटा सा है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इधर के डिस्टेंस लंबे होते हैं. एंटीना इसके पैरेलल लेना है कि इसके पैरेलल लेना है? तो आंसर है एंटीना हमको ये इस लाइन के पैरेलल लेना है. क्यों? इसका पॉइंट ये है, इसका पॉइंट ये है, और एंटीना भी इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इसलिए एंटीना भी यहाँ से ज़्यादा दूर होता चला जाएगा. देखिए यहाँ का डिस्टेंस छोटा, ये यहाँ पर था और ये यहाँ पर था, तो यहाँ का मैग्निफिकेशन कम होगा और ये u छोटा हो गया तो मैग्निफिकेशन और बड़ा हो गया. यानि इधर का डिस्टेंस कम होगा और इधर का डिस्टेंस और बड़ा होगा, तो एंटीना ऐसे आ गया. This is antenna which is parallel to this. ये antenna इस तरह से आया. ठीक, अब विंडो, ये वाली लाइन ये है, तो विंडो भी ऐसी ही बनेगी. ये वाली जो है लाइन, this will be straight line but larger than this. और ये वाली जो लाइन है ये इसके parallel आएगी, larger than this. और ये लाइन straight आएगी, क्योंकि ये पूरी एक ही लोकेशन पर है, ये भी स्ट्रेट आएगी. तो ये वाली लाइनें सब स्ट्रेट आएंगी, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे ये बड़ी होती जाएंगी. यहाँ पर बराबर इतना दूर पहुँचिए, ये ज़्यादा दूर पहुँची, ज़्यादा बड़ी हो गई. इतना दूर पहुँचिए और ज़्यादा दूर हो गई, और बड़ी हो गई. इस तरह से ये हमारा इमेज बना इस मोबाइल का. सो these are logics and concepts we have applied in making it. Okay, iske baad jab hum is lesson ke numerical karenge, we will solve so many questions. Bar bar u v f ko find out karna, magnification find out karna, location of the image ye find out karna, that we will do in the numericals. So after this we will go for the second feature of the ray optics, that is refraction. When light enters a different medium and is not reflected back, जो light दूसरे medium के अंदर चली जाएगी, क्यों? क्योंकि दूसरा medium by chance ऐसा है जो light को अंदर जाना allow करता है. अगर नहीं allow करता then there is no question, या तो absorb हो जाएगा या reflect हो जाएगा. लेकिन अगर ऐसा medium है जो अंदर जाना allow करता है, like water and glass, तो उसके अंदर जाने के रूल्स क्या हैं? दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल कॉल इट रिफ्रैक्शन. थैंक यू.